साथी थोड़ा शांति बनाइए तो मैं कुछ कह लूं। देखिए मैं मंच पर बैठी हूं, मैं मंच पर जरूर बैठी हूं लेकिन मैं हूं आपके साथ। और अगर मेरा बस चले तो ये शिक्षा मित्र जंतर मंत्र पर नहीं दिल्ली की सड़कों पर होगा। मैं सम्मान करती हूँ गाजी इमाम आला जी का और जितेंद्र शाही जी का, जो कि पल पल रोकते हैं, पल पल डांटते हैं मुझे भी और रीना सिंह को भी, आप लोग जानते हैं। सम्मान करते हैं हम दोनों इन दोनों लोगों का, ये भाई हैं हमारे, अध्यक्ष हैं हमारे। तो दोस्तों धैर्य और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। मैं कहना चाहूंगी बड़े भाई गाजी जी को कि मेरा धैर्य वहीं तक काम करेगा जहां तक आप मेरे मान सम्मान की रक्षा करेंगे। जब मुझे लगेगा कि मेरे मान सम्मान की, मेरे स्वाभिमान की रक्षा मुझे स्वयं करनी है तो मैं भूल जाऊंगी कि आपको मैं बड़ा मानती हूं। ये बात आपको बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगी, और बुरी लगे मैं इसीलिए कह रही हूं। दोस्तों धरने का चौथा दिन विशाल जन समुदाय और सरकार है कि कान पर चू तक नहीं रहेगी। आज बताया जा रहा है कि चू रहेंगी है आज, और मैं चाहती हूं गाजी भैया वो चू रहेंगे नहीं दौड़े, और तुम उस चू को दौड़ाओ। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे दौड़ाओगे, प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहूंगी बड़े सम्मान के साथ, डीसीपी एसीपी और इंस्पेक्टर अशोक जी को आपने जो हमें सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उसके लिए हम दिल्ली प्रशासन के आभारी हैं और रहेंगे जीवन भर। इतना सहयोग तो हमें हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस भी नहीं करती जितना दिल्ली की पुलिस ने हमें हमारा सहयोग किया है और अभी भी कर रहे हैं। साथियों दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है, तो हमने भी उनकी व्यवस्था में पूरी तरह से सहयोग किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं कहना चाहूंगी प्रशासन को हमारी लड़ाई शिक्षा मित्रों की लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, सरकार से है, सरकार के खराब सिस्टम से है। हम चाहते हैं पीएमओ से वार्ता हो, माननीय राजनाथ सिंह जी से वार्ता हो, जिससे भी वार्ता हो, हमारा मान सम्मान हमें वापस मिले, घर चले जाएंगे हम। हम कहां चाहते हैं कि हम यहां रुके। मैं कहना चाहूंगी अपने दोनों नेताओं को, पूरी संयुक्त संघर्ष समिति को, दीनानाथ दीक्षित जी को भी कि कुछ काम करो, कुछ काम करो और जग में रहकर कुछ नाम करो। इतनी भीड़ लेकर आए हो और ऐसे ही लौट जाओगे, तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें रातों को सोने नहीं देगी। ये जन समुदाय, ये आग उगलते लोग तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, रीना भी तुम्हारे साथ है, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगी अपने दोनों मंत्रियों से, आदरणीय बड़े नाई भाई विश्वनाथ कुशवाहा जी से और अवनीश सिंह जी से, कब तक रोकेंगे आप? ये नारी अगर अनसुईया सीता है तो ये चंडी और दुर्गा भी है। हम रुके हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे मान सम्मान की रक्षा कर रहे हो। और जो लोग ये समझते हैं कि शिक्षा मित्र अब आया है, अब कभी दिल्ली आएगा नहीं या उत्तर प्रदेश या लखनऊ में कभी धरना प्रदर्शन करेगा नहीं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। शिक्षा मित्र जब तक अपना मान सम्मान, जब तक अपना स्वाभिमान वापस नहीं ले लेगा, इसी तरह आग उगलता रहेगा।
दोस्तों 18 से 35 वर्ष के बीच का ये युवा आज भले ही 48 और 40 45 का हो गया है, लेकिन इसमें जोश वही है 18 से 35 वर्ष के बीच का। और जब युवा को उल्टा करते हैं तो वायु हो जाता है, और जब वायु धीरे धीरे चलती है तो मन को और तन को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यही वायु जब थोड़ा तेज रूप धारण करती है तो आंधी बन जाती है, लोग आंखें भड़बड़ाते हैं, कंकड़ घुसते हैं आंखों में। और जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है मानव, जैसे सरकार कर रही शिक्षा मित्रों से छेड़छाड़, तो यही आंधी तूफान और सुनामी बन जाती है, और बड़े बड़े शहरों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धराशायी कर देती है। मैं कहना चाहूंगी भाजपा सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने वादे को निभाइए और शिक्षा मित्रों की बात को सुन लीजिए, अन्यथा की स्थिति में 2018 और 2019 बहुत करीब है। मैं मानती हूँ आप बहुत बड़े नेता हैं, वीआईपी हैं, आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से चलते हैं, आपके पीछे बहुत बड़ा हमला रहता है, लेकिन माननीय आपके विधायक और आपके सांसद इन्हीं के बीच में वोट मांगने जाएंगे। और इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो आपका जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएगा, जनता फिर उसका क्या हाल करेगी, इस पर जरूर विचार कर लें। ये हमारी नहीं, 1,72,000 लोगों की आवाज है। दोस्तों गाजी भैया ने बताया है कि आज कुछ सकारात्मक हो सकता है, तो हम इंतजार करेंगे क्या सकारात्मक हो सकता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी गाजी जी से कि वो जब भी यहाँ पर आए, जब भी आए तो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करें कि कितना समय सीमा है उनके कुछ होने का, कितने बजे तक कुछ हो सकता है, इस बात को हमें और पूरे पांडाल को बताएं, पूरे जन समूह को बताएं वो कि अगर कुछ हो सकता है तो वो कितने बजे तक हो सकता है, और अगर कुछ नहीं हो सकता है तो वो क्या करने वाले हैं, ये भी यहाँ से बताएं। अरे सामान क्या है, सामान तो, और मैं कहना चाहूंगी जिसे बुरा लगे लग जाए, नो प्रॉब्लम, अगर आप कुछ करा सकते हैं तो कराइए आज, और नहीं करा सकते तो घर चलिए। संयुक्त संघर्ष समिति से मैं कहना चाहूंगी, गाजी जी से भी और साई जी से भी और तीनानाथ जी से भी, अगर कुछ करा सकते हैं तो आज कराइए, भले ही वो ये कहें कि हम ये कर रहे हैं कल कर देंगे हम मान लेंगे, लेकिन अगर आज वो वार्ता के लिए करते हैं कि हम करेंगे आश्वस्त कर देते हैं, हम नहीं मानते इस बात को। अगर आप कुछ करा सकते हैं तो कराइए, कराने की कुवत नहीं है तो घर चलिए और यहाँ से अनाउंसमेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं है ताली बजाए शिक्षा मित्र 4-5 दिन तक परेशान होकर खुदा चले जाए, बाद में तुम ये कहकर धरना समाप्त कर दो कि भीड़ है नहीं है हम रोड पे कैसे उतरे। हम ये नहीं सुनना चाहते कि 5 दिन बाद शिक्षा मित्र बीमार होकर या उसके पास खर्चा खत्म हो गया, राशन पानी खत्म हो गया, अब वो घर चला जाए और तुम छठवें दिन हमसे ये कहो कि सुमन अब हम क्या करें, रीना अब हम क्या करें, भीड़ है नहीं, नहीं तो हम सड़क पर उतर पड़ते। शिक्षा मित्र को वापस घर जाने के लिए मजबूर मत कीजिए और बहाना मत ढूंढिए कि भीड़ नहीं हम क्या करें, भीड़ है आपके साथ है, और जब तक आप नहीं कहेंगे यहाँ से नहीं हिलेगी, मैं विश्वास दिलाती हूँ, नहीं हिलोगे ना जब तक गाजी भैया नहीं कहेंगे नहीं हिलोगे। रिजल्ट चाहिए ना, हाथ उठाकर ऊपर कीजिए, रिजल्ट चाहिए, नहीं तो आप आराम से कह दीजिए आपसे कोई कुछ नहीं करे, बड़े सम्मान के साथ आपके मैं छोटी हूँ आपसे हाथ जोड़ती हूँ, छठ बंधन करती हूँ आपका, आपको कोई टच नहीं करेगा, सब आपका सम्मान करेंगे, बस आप ये कह दीजिए कि मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि अंगारा है हमारे गाजी मामाला जी, देखता हुआ 16 है जितेंद्र शाही, लेकिन जितेंद्र शाही के अंदर अफवान आता है गाजी भैया पानी छिड़क दे। अब हम कुछ कहते हैं साई जी आंखें दिखाते हैं हमको, चुप रहिए चुप, रीना कुछ करती है उसको डांटते, भैया हम डांट खा रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से साई जी के अंदर तूफान पैदा करने की कोशिश कर,
पूरा डाल पानी। अब दिल्ली पुलिस भी बेचारी क्या करे, कब तक झेले तुमको, महिला पुलिस भी खड़ी है उनकी, अगर टॉयलेट जाने में हमको दिक्कत है उनको भी होगी, मानते हैं उनका ये अमला है, उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मंच के माध्यम से नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ बाजी भैया ऑर्डर टू ऑर्डर फाइल टू फाइल बोलो, तो भी हड़ताली दे दी जाकर हमसे नहीं हो रहा है।